हाँ जी नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हस्तरेखा में सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा है उसका नाम है आयु रेखा। आयु है तो सब कुछ है। आयु रेखा जो उदित होती है वो आप देखें तो अंगूष्ठा और तर्जनी के मध्य से उदित होती है, यहाँ से इसका उदय माना जाता है, और इधर आके मणिबंध के आसपास इसका अंत माना जाता है। यहाँ जन्म, यहाँ मरण, तो जन्म मरण के बीच की सारी कहानी बयां करती है आयु रेखा। आयु रेखा सिर्फ आयु को ही नहीं दर्शाती अपितु जीवन में आए हुए संघर्षों को दर्शाती है। आपका मध्य अवस्था कैसे होगी, बचपना कैसे होगा और जीवन की अंतिम अवस्था कैसे होगी, इसको भी दर्शाती है। कुंडली में गुरु को जीव कहा गया है, जीव, क्योंकि सृजन जीवन का कारक है, संतान का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है। वहीं शुक्र को भी जीव कहा गया है, क्रोमोसोम का कारक है। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है मंगल का, तो शुक्र मंगल गुरु तीनों की युति से जीवन का आरंभ होता है, जीवन का आरंभ होता है। चंद्र शुक्र केतु, चंद्र शुक्र केतु, यहाँ पे तीन जब ग्रहों का मिलन होता है तो मृत्यु का स्थान होता है। इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो हो जाएगा लंबा। यार एक आज हम बात करने वाले हैं, अगर बाद में दो मुखी तीन मुखी हो जाए, दो मुखी पर चर्चा करेंगे, अगर आयु रेखा अंतिम समय में दो मुखी हो जाए, ठीक, तो दो मुखी ऐसे हो सकती है या दो मुखी ऐसे हो सकती है। दो मुखी का मतलब कि यहाँ पे मत्स्य नहीं बनेगा। अब अगर ये आयु रेखा दो मुखी हो गई तो क्या होगा? देखिए, आपको लोगों ने डराया होगा, अगर कई वीडियो देखा होगा कि आपका वृद्धावस्था बहुत कष्टमय हो जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, जेल जाना, मैंने पागलपन की स्थिति तक जाना पड़ेगा। कोई चीज़ को गंभीरता से समझिए। हस्तरेखा ज्योतिष से ज़्यादा टफ है, थोड़ा धैर्य ज़्यादा मांगता है, साधना ज़्यादा मांगता है। आयु रेखा का आरंभ, ये यहाँ तक मान लीजिए युवावस्था, यहाँ बाद में मध्यावस्था, ये वृद्धावस्था, ये जीवन के अंतिम क्षण। जीवन के अंतिम क्षण में किसको कष्ट नहीं होता, सबको होता है, शरीर जर्जर हो जाता है। ये दर्शाता क्या है? देखिए, दो मुखी रेखा होने का मतलब जीवन में संघर्ष तो आएगा। अगर आपसे कोई बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, कभी भी किसी रेखा पे अधोपतन वाली बनने वाली रेखाएं वो उसके रेखा को कमज़ोर करते हैं, ठीक। अगर यही रेखा इस पे ऐसे बन जाए, अंत में ही सही ऐसे करके बन जाए, ऐसे बन जाए, मतलब यहाँ पे ऐसे बन जाए, यहाँ पे ऐसे बन जाए, तो यह आयुष्य को या स्वास्थ्य को मजबूत करने वाला है। लेकिन अगर ऐसे बनता है तो इसका मतलब है वहाँ से आपका स्वास्थ्य आपके अनुकूल नहीं होगा। आपको जो आपकी पगडंडी चल रही है, उस पगडंडी से कोई पगडंडी निकल रही है, उसमें भी आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये इस चीज़ का भी द्योतक है, ये सफ़र को दर्शाता है, यात्रा को दर्शाता है। तो जीवन के अंतिम समय में यात्राएं करनी पड़ेंगी। जीवन के अंतिम समय में क्या यात्राएं होती हैं, अगर आप इसको लॉजिक के तौर पर समझें तो ये ऐसे बनती हैं कि आप दो तीन जगह घर बना लीजिए, कभी गाँव में रहिए, कभी शहर में रहिए, या कभी बेटे और बहू के पास रहिए, बच्चे से दूर चले जाएं तो दो चार महीने उनके पास रहिए, फिर आप अपने जहाँ पे आपने घर बनाया है वहाँ पे आके रहिए, फिर गांव चले जाइए लोगों से मिलने के लिए। तो इस तरह की चीज़ को दर्शाता है। इसका सकारात्मक क्या है? सकारात्मक तत्व ये है कि ऐसे व्यक्ति के पास उसकी खुद की भू संपदा, खुद का भवन, खुद का आवास अवश्य होता है। तो इसको सकारात्मक पक्ष आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर जीवन रेखा अंत में दो मुखी हो जा रही है तो ये आपके आवासीय सुख को या धन की स्थिति को दर्शाती है कि आप किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे, आपको सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको सहारा आपने बना रखा है। ये एक प्लस पॉइंट है। एक और चीज़ आप महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये केतु का क्षेत्र है, ठीक, ये आपके मून महाराज हो गए, ये आपके शुक्र महाराज हो गए। अब ये रेखा किधर
मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ से अगर ये रेखा निकल के केतु पे ही आ रही है, ये रेखा भी निकल के केतु की तरफ मूव कर सकती है, या ये रेखा निकल के शुक्र की ओर मूव कर सकती है, ये रेखा निकल के चंद्र की ओर मूव कर सकती है। केतु मुक्ति का कारक है। कहा जाता है केतु धड़ है, केतु सनक जाता है और वृद्धावस्था में ऐसी स्थितियां बनती हैं, बच्चे जैसी व्यक्ति सनक जाता है। व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे को सब कुछ प्रदान किया जाए, मेरा ध्यान नहीं दिया जाता, तो अगर केतु की ओर जा रही हैं तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। शुक्र की ओर जा रही हैं तो कभी कभी वृद्धावस्था में भी जब तीर्थ का दौर हो तब भी लोग प्रेम कर लेते हैं, तीर्थ के दौर में भी प्रेम कर लेते हैं, तो ये स्थितियाँ दर्शाती हैं। चंद्र क्षेत्र पे कल्पना प्रधान हो जाती हैं, भावना प्रधान हो जाती हैं, बच्चों जैसी हरकतें होती हैं। फर्स्ट हमें चाहिए रोना, ठीक है ना, बच्चों जैसे रुदन, बच्चों जैसा कोई चीज़ के लिए जिद कर लेना, इस चीज़ को भी दर्शाती हैं। वहीं अगर ये केतु की तरफ जा रही हैं तो केतु मुक्ति की बात करता है। फिर ऐसे आदमी सनक जाता है पूजा पाठ में, ऐसा आदमी आध्यात्म की गहराइयों में चला जाता है। वो घर में भी रहते हुए घर वालों से संपर्क नहीं साधता, वो घर में एक साधना स्थली बना लेता है। तो दो मुखी जो जीवन रेखा है वो वस्तुतः जीवन के अंतिम जो भाग हैं उनको दो तरफ डिवाइड कर रहा है, मैंने कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। एक मन कहता है आध्यात्म की ओर भाग जाएं, एक मन कहता है अंतिम समय में संसार में कुछ और काम कर लें, संसार में कुछ और काम कर लें। आर्थिक दृष्टिकोण के लिए सिर्फ यहीं पर मत देखिएगा, अब वास्तव में यह जो अवस्था होगी व्यक्ति के लिए दयनीय होगी। क्या यह दयनीय होगी? मानसिक दिवालियापन हो जाएगा, मानसिक कमजोरी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको मस्तिष्क रेखा भी देखनी पड़ेगी। सिर्फ यहीं से मत कहिएगा, मस्तिष्क रेखा पे उसी उम्र में कट का निशान आ जाए, वो उम्र में तिल का निशान आ जाए, तो ये जो बातें हैं ना मानसिक रोग हो जाने की, ये यहाँ से चरितार्थ होंगे। वहीं पे मैंने कहा अगर चंद्र पर्वत पे चली जाए तो भावनात्मक लगाव बहुत होता है, बच्चों जैसी जिद होती है, आज हमें ये खाने का मन कर रहा है। बहुत से वृद्ध लोग डिमांड करते हैं, नहीं आज तो मैं यही खाऊंगा, यही बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो मेरा ध्यान नहीं रखते, डॉक्टर ने मना किया है शुगर है लेकिन खाना है तो खाना है। वो आपका हृदय रेखा बताएगी, हृदय रेखा अंत में कैसे हो रही है, हृदय रेखा की अंतिम अवस्था कैसे हो रही है। अगर वहाँ पे कट फट का निशान ज़्यादा है, रेखाएँ मोटी होती जा रही हैं, रेखाएँ वहाँ पे कटी ज़्यादा हैं, टूटी ज़्यादा हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उम्र के अंतिम अवस्था में हृदय संबंधित रोग या हृदय विदीर्ण होना, हृदय दुखी रहना, इन सारी चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। ज्योतिष हो या हस्तरेखा, कभी भी किसी एक बिंदु को लेके फाइनल तक मत पहुँचिएगा। यहाँ पे आपको देखना है मस्तिष्क, देखना है हृदय रेखा, तीन रेखाओं जो महत्वपूर्ण तीन रेखाएं हैं, इन तीनों की कनेक्टिविटी, इन तीनों की एक रूपता बनाइए, संगम बन जाएगा महाराज, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी हो जाएगा। तो त्रिवेणी से जो पुष्प निकलेगा ब्रह्म कमल निकलेगा, मुक्ति का मार्ग निकलेगा। तो ये केतु का घर केतु मुक्ति प्रदाता है, तो अगर ये रेखाओं से कभी भी किसी तरह का संयोग केतु से बन जाए, जैसे मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे है, एक पतली सी रेखा हल्की सी जो टूटी, मैंने बहुत यहाँ तो मैंने मोटी बना दी, वो आप लेंस से देखो दी केतु दिखाई देगा, नहीं नहीं दिखाई देगा, हाथ को फोल्ड करोगे तो दिखाई देगा। यहाँ से एक पतली सी रेखा अगर यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे तो ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की गहराइयों में जाएगा, इधर उधर भटकेगा लेकिन अंत में आध्यात्म की गहराइयों में जाएगा। तो दो मुखी रेखा जहाँ जीवन की अंतिम अवस्था में थोड़ा सा भागदौड़ करा रही है व्यक्ति की, और जो चलता है वही जीवन है, जो ठहर जाता है वही मृत्यु है, तो चलना कोई बुरा नहीं है। लेकिन प्लस ये होता है कि यह व्यक्ति सकारात्मक रहता है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है, जब बड़ा होता है तो बड़प्पन निभाता है, जब बुढ़ा हो जाता है तो अपने को बच्चा भी मान लेता है, ईगो नहीं पालता, टकराता नहीं, सबसे सामंजस्य बना के चलता है, लेकिन अपने बौद्धिक बल को ज़्यादा प्रबल करके चलता है। किंचित अवस्था में यहाँ पे अंत में दीप या क्रास आ गया तब ऐसे व्यक्ति को किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। वो अंतिम अवस्था में शारीरिक रुग्णता को दर्शाता है, लेकिन मानसिक रुग्णता के लिए आपको मस्तिष्क रेखा और हृदय की रुग्णता के लिए हृदय रेखा देखनी पड़ेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फिर किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे, तब तक आपके लिए राधे राधे।